होगा घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। सर, हमारे गांव को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत चुना गया है। हमारे कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में या जैविक कृषि को बढ़ावा देने की एक योजना है, लेकिन अब कृषि विभाग के द्वारा जो भी जानकारियां दी गई हमें, उससे ज्यादा बेनिफिट हो रहे हैं। पहले गोबर से करते थे, जब कृषि विभाग ने हमको ये वर्मी कंपोस्ट का दिया है, तब हम उसका भी उपयोग कर रहे हैं। देखिए दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा, परंपरागत कृषि विकास योजना, 4 जुलाई सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता, जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। एक बोलती हुई खामोशी, जिन्हें जरूरत होती है प्यार की, दुलार की और आपकी जागरूकता की। बच्चों के मानसिक विकास को रोकने वाली बीमारी ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, एक मानसिक अवस्था है जिसके अंदर बच्चे के अंदर 3 से 4 कोई परेशानियां मूल रूप से होती हैं। सबसे पहली सामाजिक हाव भाव में गुणात्मक हानि, जैसे हम आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ये बच्चे आंख से आंख नहीं मिलाते हैं, अपने में ही गुम रहते हैं। पूछिए देश के मशहूर डॉक्टर से, बच्चों के मन और मस्तिष्क में बाधा डालने वाला विकार ऑटिज्म, कारण लक्षण और उपचार। स्वस्थ किसान लाइव शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन, कहा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को 100 गांव गोद लेकर करना चाहिए पशुपालन विकास। अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में दुनिया में भारत का पहला स्थान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गांधीनगर में कई विकास कार्यों का किया उद्घाटन और शिलान्यास, कहा जिस तालाब का शिलान्यास हुआ है वह जल्द से जल्द होगा पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर जिले में 75 तालाब बनाने की है शुरुआत।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमएफएमई योजना के 2 साल हुए पूरे। देश भर में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जा रही है लागू। पीएमएफएमई में 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की है योजना। 1,00,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्यों की पहचान कर 203 करोड़ रुपए की राशि की जा रही है जारी। असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है गंभीर। असम के 30 जिलों में 29,00,000 से अधिक आबादी अभी भी बाढ़ से प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल हरियाणा के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में दुनिया में भारत पहले क्रम पर है। वहीं इस स्थिति में उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखना और भी आवश्यक है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भी भारत आज विश्व में अग्रणी अवस्था में है, लेकिन हमें आगे भी निरंतर काम करते रहने की जरूरत है। इस बड़ी उपलब्धि में किसानों के परिश्रम व वैज्ञानिकों के अनुसंधान का अभूतपूर्व योगदान रहा है। आज हमारे देश में सभी प्रकार के साधन और ज्ञान विज्ञान उपलब्ध है। ऐसे में किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल हरियाणा के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। और आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में कई विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। अमित शाह ने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र एक साथ में 117 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू हुए हैं और 93 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण हुआ है और कुल मिलाकर 210 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रसाद योजना के तहत पूरे गांव में विकास होने वाला है। इसके अंतर्गत विरासत के सभी स्थल को पुनर्जीवित कर बुनियादी ढांचे का विकास होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में रूपाल पूरे गुजरात और देश का यात्रा केंद्र बने। इसके लिए आपका सांसद के नाते जो भी जरूरी होगा मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि आज जिस तालाब का शिलान्यास हुआ है वह जल्द से जल्द पूरा हो जाए और तालाब लंबे समय तक सुंदर बना रहे, इसकी व्यवस्था के बारे में भी सोचना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव में देश के हर जिले में 75 तालाब बनाने की शुरुआत की है। इन तालाबों के सृजन से देश के भूगर्भ का जलस्तर बढ़ने लगेगा और पर्यावरण में सुधार तो होगा ही, साथ ही पशु पक्षियों को भी राहत मिलेगी और लोगों के लिए एक प्रवासन स्थल बनेगा। अपने जिले में भी 75 नए अमृत सरोवर बनेंगे। इसके अलावा मैंने CSR फंड से 10 तालाब बनाने का काम भी अपने हाथ में ले लिया है। इस प्रकार अपने जिले में कुल 85 तालाब नए बनेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे इस क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी। केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस यानी PMFME योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 29 जून 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना के 2 साल पूरे हो गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ाने देने और इसे क्षेत्र को औपचारिक रूप देने के लिए PMFME योजना वर्तमान में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। लगभग 50,000 आवेदकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और अब तक 25,000 से अधिक आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए जा चुके हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के साथ संयुक्त पत्रों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम NSFDC, भारतीय खाद्य
सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI एवं पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ PMFME योजना के लिए नोडल बैंक के रूप में हस्ताक्षर किए गए हैं और योजना के लिए आधिकारिक ऋण देने वाले भागीदारों के रूप में 15 बैंकों के साथ भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। PMFME योजना में कार्यशील पूंजी और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे स्वयं सहायता समूह SHG के प्रत्येक सदस्यों के लिए छोटे उपकरणों की खरीदारी हेतु 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना भी की गई है। अभी तक 1,00,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्यों की पहचान की गई है और 203 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी राशि जारी की जा चुकी है। और असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। असम के 30 जिलों में 29 लाख से अधिक आबादी अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन में अब तक कुल 173 लोगों की मौत हो गई है। 563 राहत शिविर और 331 राहत वितरण केंद्र अभी भी प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे हैं। वहीं गृह मंत्रालय की एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। दल ने जिला प्रशासन के साथ बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की और नुकसान की भरपाई के लिए त्वरित प्रतिक्रिया का आश्वासन दिया है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विश्व भर में पौधारोपण को बढ़ावा देने के मकसद से अनेक संस्थाएं अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। वातावरण और हवा स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, इसके मद्देनजर विश्व में अनेक अवसरों पर पौधारोपण के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की ऐसी ही एक मुहिम में जुटी है एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था स्पेहा। ये संस्था हर साल 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय पौधारोपण दिवस मनाती है। Society for Preservation of Healthy Environment and Ecology and Heritage of Agra. स्पीहा ने अपने 16वें अंतर्राष्ट्रीय पौधारोपण दिवस पर 60 से भी ज्यादा प्रकार के 55,000 पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ 200 स्थानों पर अल सुबह पौधारोपण किया, जिसमें से 1,000 पौधे दिल्ली में लगाए गए। स्पीहा विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की मुहिम में जुटी है, जिसके तहत इस अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था ने 5,00,000 पौधे पूरी दुनिया में रोपित किए हैं। खास बात यह है कि इन रोपित किए गए पौधों का सर्वाइवल रेट 84% है। सिस्टम अप्रोच के 4 मेन पिलर हैं। फर्स्ट इज इको हैबिटेट सिस्टम, ग्रीन एजुकेशन सिस्टम, सोशो लीगल सिस्टम एंड देन हेल्दी हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम। संस्था पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ हवा जैसे मुहिम से जुड़ी हुई है। मकसद नौनिहालों को पर्यावरण संरक्षण की मुहिम से जोड़ना भी है, जिसके तहत 33,000 विद्यार्थियों को अब तक जोड़ा गया है। स्पीहा सिर्फ ट्री प्लांटेशन ही नहीं कर रही है, ये पूरा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ पृथ्वी को लेके जाने का प्रयास है। और उस पर एयर क्वालिटी मॉनिटर होता है, वाटर क्वालिटी भी मॉनिटर कर रही है स्पीहा। स्पीहा बच्चों में जागरूकता ला रही है। हमारा राजा बरारी एस्टेट है, जहाँ पे हमारे ट्राइबल्स को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, और वहाँ पे भी बहुत लार्ज स्केल में, वहाँ पे लास्ट ईयर सिर्फ वहीं पर राजा बरारी एस्टेट में 1,50,000 से ऊपर प्लांट स्पीहा द्वारा लगवाया गया है। आगरा से शुरू हुई गैर सरकारी संस्था की मुहिम अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुकी है, जिसके तहत विश्व भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रयास तेज हुए हैं। ये कोशिश है आबो हवा को बचाने की, ये प्रयास है अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने का। जिस तरीके से ये पौधे लगाए जा रहे हैं, वो न सिर्फ उसको लगाया जाता है बल्कि 3 साल तक कम से कम उसकी देखभाल भी की जाती है, ताकि उसका सर्वाइवल रेट बढ़ सके और आसपास के इलाकों में शुद्ध हवा मिल सके, स्वास्थ्य को फ़ायदा हो सके। और मकसद ये है कि ये जो पर्यावरण हमारे आसपास का है वो भी स्वच्छ रहे। कैमरामैन हरजीत के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। पर्यावरण संरक्षण के प्रति तमाम बड़े फैसलों को लेने की कड़ी में पीएम मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध का बड़ा फैसला किया है। पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गई है, जिसको लेकर जानकार इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं। तो देश भर से इस फैसले पर लोगों ने खुशी भी जताई है। सरकार ने कहा है कि स्वच्छ भारत का सपना साकार हो रहा है।
पर्यावरण संरक्षण और लोगों की सेहत के लिहाज से मोदी सरकार का आज एक बड़ा फैसला लागू हो गया, जिसके तहत देश भर में अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गया है। भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में फिलहाल 19 चीजों को प्रतिबंधित किया गया है, जो न सिर्फ पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ाने का बड़ा स्रोत है बल्कि इनकी उपयोगिता भी कम है। सरकार ने ऐसी वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के पूर्ण प्रतिबंध पर कहा है कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने से स्वच्छ भारत अभियान का सपना साकार होगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन रियलाइजिंग द विजन ऑफ क्लीन एंड ग्रीन इंडिया ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम टुडे। दिस हिस्टोरिकल स्टेप विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन रियलाइजिंग द विजन ऑफ प्लास्टिक फ्री इंडिया। धीरे धीरे उसके बारे में देश में एक जन जागृति हो, उसकी मुहिम आज एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो चुका है। सिंगल यूज यानी एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है और फिर उसके बाद वे इस्तेमाल नहीं होती हैं। एक बार इस्तेमाल के बाद ये वस्तुएं नष्ट करने के लिए फेंक दी जाती हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश हिस्सा पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ाता है और यही कारण है मोदी सरकार ने इसे प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। जानकारों की माने तो सरकार का ये कदम दूरगामी परिणाम लेकर आएगा और प्लास्टिक से उत्पन्न हुई समस्या के समाधान में मददगार साबित होगा। हमने अपने सब प्रोडक्ट से प्लास्टिक धीरे धीरे हटाने की कोशिश की है। आइसक्रीम के साथ जो प्लास्टिक की पहले स्पून रहती थी वो भी हटा के हमने लकड़ी की स्पून कर दी। तो इस तरह से हम लोग एनीवे हम कर ही रहे थे इसके बारे में, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और आई थिंक एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा स्टेप है। मोदी सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के प्रतिबंध के फैसले की दुनिया भर के देश तारीफ कर रहे हैं। दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड दैट इंडिया आल्सो सक्सीड्स। And what we have done here at the embassy today is that we have decided to eliminate single-use plastic items on our premises. केंद्र सरकार ने जिन चीजों को प्रतिबंधित किया है उनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टराइन, प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को पैक करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिकर शामिल हैं। केंद्र सरकार ने प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का फैसला किया है, तो सीपीसीवी शिकायत निवारण ऐप को भी शुरू किया गया है। सरकार ने निगरानी के लिए विशेष प्रवर्तन दल गठित करने का फैसला भी किया है। सरकार ने वैकल्पिक उत्पादों को बढ़ावा देने की बात भी कही है, जिनमें लकड़ी, कॉटन और बांस जैसी वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर देश भर से आम लोगों ने खुशी जाहिर की है। जैसे कि आप सबको पता है कि एक तरीके से सरकार ने सब बैन कर दिया है सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए, तो हम लोग सारे शिफ्ट हो रहे हैं अब डिस्पोजेबल्स, जो हम लकड़ी के चम्मच और पेपर बैग्स वगैरह पे शिफ्ट हो चुके हैं। आई फील दैट ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स टू मूव, सबको सस्टेनेबल लिविंग करना है एंड सिंगल यूज प्लास्टिक गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के फैसले से जहां सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, तो वहीं अब बारी है आम लोगों की कि वो पृथ्वी के संरक्षण में आगे आए, प्लास्टिक के यूज पर सरकार के कदम का सहयोग करें। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि मंडियों में क्या चल रहा है भाव। विश्व स्तर पर भारत मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में पहले स्थान पर जाना जाता है। यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारतीय मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 15,31,154 टन का हुआ है। वहीं काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल बढ़ा है। साल 2021-22 में हुआ काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते साल के मुकाबले इस साल काली मिर्च के निर्यात में 10% की बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से कुल काली मिर्च का निर्यात 19,980 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में 1,883 टन बढ़ोतरी हुई और कुल निर्यात 21,863 टन के पार जा पहुंचा।
घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर खासा जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं गर्म मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च की खेती भारत में सबसे ज्यादा केरल में होती है। कुल काली मिर्च की उपज का 98% हिस्सा सिर्फ केरल से ही आता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में भी काली मिर्च की खेती की जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 1,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,04,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की आवक सीमित बनी हुई है। 1 जुलाई को गिनी चुनी मंडियों में ही तिल बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जसदन मंडी में 30 जून को काले तिल का भाव रहा 10,500 रुपए। 1 जुलाई को इसके सौदों में 500 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 10,000 रुपए पर आ गया। वहीं जसदन मंडी में सफेद तिल के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां शुक्रवार को सफेद तिल 500 रुपए टूटकर 10,750 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की राजूला मंडी में काले तिल के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहां 30 जून को काले तिल का भाव था 11,180 रुपए, 1 जुलाई को इसके सौदे 1,930 रुपए लुढ़क कर 9,250 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में तिल के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 जून को तिल का भाव रहा 9,045 रुपए, 1 जुलाई को इसके सौदों में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 9,070 रुपए पर जा पहुंचा। इस साल देश में तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ तिल उपज बीते साल के मुकाबले 40,000 टन ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 8,57,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिल की पैदावार 8,17,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। और आइए बात कर लेते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें खेती और अपनी फसलों का रखरखाव। बिहार के मधेपुरा में धान के खेतों में किसानों को बारिश के पानी को संरक्षित करने और मेड़ों को मजबूत करने की सलाह दी जाती है, जिसका इस्तेमाल धान की रुपाई के लिए किया जा सकता है। खाद की यहां जुताई की जा सकती है। यहां पर किसान मूंग की बुआई भी कर सकते हैं। इस समय मिर्च में कीट का खतरा रहता है, ऐसे में ग्रसित पौधों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे या फिर जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करे। चारे की बुआई के लिए ये समय ठीक है। इसकी बुआई के लिए पूसा चारी 9 और पूसा चारी 6 जैसी किस्मों का इस्तेमाल करें। इस मौसम में मधेपुरा के किसान लोबिया भी बो सकते हैं। बिहार के पूसा में किसानों को भिंडी और तिल की फसल लगाने की सलाह दी जाती है, जिनके लिए अच्छे किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें। वहीं यहाँ के उत्तरी हिस्सों में सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। ओडिशा के रानीताल और बालासोर में इस समय धान की फसल में थ्रिप्स और खरपतवार का खतरा हो सकता है, ऐसे में थ्रिप्स के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करें और खरपतवार को हटा दें।
बालासोर में जिन किसानों को गन्ना बोए 4 से 5 महीने हो गए हैं, वहां फसल को सहारा देने की जरूरत है, साथ ही उसमें उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। बैंगन के पौधों को प्ररोह भेदक से बचाने के लिए नीम जैसे कीटनाशकों का इसमें छिड़काव करें। वहीं समय मिर्च में थ्रिप्स और लोबिया की फसल में एफिड्स देखा जाता है, इससे बचाव के लिए जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें, जिससे इनकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है, वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोत कर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे, बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को खाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं, इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 3 और 4 जुलाई यानी रविवार और सोमवार को होगा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव रविवार को विधानसभा के विशेष सत्र में होगा। सचिवालय ने सभी विधायकों से इस सत्र में उपस्थित रहने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल नार्वेकर प्रत्याशी होंगे। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। शिंदे पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण ये कार्रवाई की गई है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार संकट में आ गई थी और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जमीन घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। पात्रा चौल के विकास के लिए महाडा एवं अन्य डेवलपर्स के साथ लेनदेन में एवं प्रोजेक्ट के नाम पर हुए संदिग्ध लेनदेन की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। जानकारों के मुताबिक इसमें करोड़ों रूपये का धनशोधन हुआ है। शिरोमणि अकाली दल SAD ने राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने चंडीगढ़ में कहा कि कुछ मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेदों के बावजूद उन्होंने NDA उम्मीदवार के समर्थन का फैसला किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की प्रथम सफल उड़ान संचालित की है। ये उड़ान कर्नाटक में चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई है। इसके साथ ही भारत के गोपनीय मानव रहित कैम्बेट एरियल व्हीकल UCAV का सफल परीक्षण कर एक उपलब्धि हासिल कर ली गई है। दिल्ली से जबलपुर जाने वाले एक स्पाइस जेट विमान में शनिवार की सुबह उड़ान के बाद 5000 फीट से गुजरते समय केबिन से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसके बाद विमान को दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित वापस उतारा गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के शहजादपुर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण पंजाब मेल एक्सप्रेस को शहजादनगर से पीछे रोकना पड़ा।
सरकार ने पर्यावरण व बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा का डेयरी उत्पाद तैयार करने वाली कंपनियों ने स्वागत किया है। मदर डेयरी ने कहा कि उनके सभी आउटलेट्स पर सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। अयोध्या के रामकोट स्थित जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान श्रद्धालु ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते नजर आए। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 197.83 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।